ओपीएस फिर से लागू करने की मांग उठा गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम इसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां वहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से ऐलान किया हुआ है कि वहां पर हम ओपीएस लागू करेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम को दरकिनार कर ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग भी उठाई जा रही है और ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर खूब छाया हुआ है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती ऐसा हो लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसके सारे सत्ता में आ जाए। हरियाणा में भी ये मुद्दा खूब छाया हुआ लेकिन दिल्ली में किस तरह से जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है उसकी एक बानगी नजर आई है। ओपीएस बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए अलग अलग राज्यों के कर्मचारी और एकजुटता का परिचय देने का प्रयास है। हरियाणा के कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हम और कुछ जानकारी भी आपसे साझा करेंगे ताकि आप जान सके कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप जानते हैं कि सदन की कार्यवाही चल रही है, वहां पर बजट सेशन चल रहा है, दूसरा फेज शुरू हो गया है बजट सेशन का और इसलिए दिल्ली में प्रदर्शन कर सदन तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक प्रयास इन कर्मचारी की ओर से हो रहा है। हमारे साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राजा, सांकेतिक आज का प्रदर्शन मानकर चले या लगातार ये प्रदर्शन होते रहेंगे दिल्ली में इस तरह के जंतर मंतर पर? बिल्कुल, देखिए कमल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ओपीएस बहाली को लेकर ये प्रदर्शन है और आज का एक दिन का सांकेतिक ये प्रदर्शन। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि यदि केंद्र सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती और ओपीएस की बहाली नहीं करती तो आगे जो ये प्रदर्शन है और जारी रहेगा, यानी कि लंबा ये प्रदर्शन हो सकता है। पर फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज एक दिन की परमिशन इन कर्मचारी को दी है, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं का भी काफी सपोर्ट इन कर्मचारियों को मिल रहा है, इसको लेकर सुबह से ही लगातार जो कर्मचारी हैं अलग अलग राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता हैं, कर्मचारी संघ के नेता हैं, वो भी इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन किया गया है किसके बैनर तले किया गया है, एकजुटता का परिचय तो दिया गया है लेकिन किसके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत के जो कर्मचारी है उसके बैनर से प्रदर्शन किया गया है, तमाम जो यूनियन के कर्मचारी हैं नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये प्रदर्शन जारी है, शाम के 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति। कोई विपक्ष का नेता भी यहाँ पर पहुंच सकता है इनको समर्थन देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे पर खुलकर बोलती है और ये भी कहते हैं कि जहां जहां राज्य में हमारी सरकार बन रही है वहां वहां हम ओपीएस फिर से बहाल करेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष के नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के कर्मचारी भी हैं तो महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो इनके धरने स्थल पर पहुंचे, जो जानकारी है कि हरियाणा के भी कुछ नेता आपसे कुछ देर में इनके धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो विपक्ष जिस तरीके से हम बात करें लगातार इन कर्मचारियों को सपोर्ट करा और फिर बहाली को लेकर भी जिस तरीके से हरियाणा की बात करें अलग अलग राज्यों में इस तरीके से जो मुद्दा गरमाया हुआ है जी। और आगे की रणनीति के कोई संकेत दिए? अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा। और बिल्कुल, देखिए आगे की रणनीति है कि आज इस दिन का सांकेतिक ये धरना प्रदर्शन है और जो ज्ञापन है जो केंद्रीय सेक्रेटरी है उनको इन कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है और टाइम दिया है, जो 7 दिनों का टाइम दिया है। टाइम के अंदर यदि इनकी बातें नहीं मांगेंगे तो जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है आगे दोबारा से जंतर मंतर पर इसी तरीके से जारी रह सकता है जी। धन्यवाद, जानकारी दी आपने इस प्रदर्शन को लेकर।